हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस है। जैसा कि 21 को आपको एग्जाम है, अब आपके पास टाइम बहुत कम है, 7-8 दिन का टाइम है। दोस्तों, इसको पूरा उपयोग कीजिए। आप जो भी कमियां होंगी जिस टॉपिक में, उसको पूरा कीजिए, जिससे जो आपको आता है उससे क्वेश्चंस न गलत हो। और इजी क्वेश्चंस गलत होता है, उसी से आपका सिलेक्शन रुकता है। तो हर एक चीज़ को ध्यान देना जरूरी है, और अपने सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दीजिए, और मैं जो प्रैक्टिस करा रही हूँ उसे भी देखते रहिए। और मैं बहुत सारे अभी तक मैं प्रैक्टिस कराई हूँ, जो डेली बेसिस पे देखा होगा वो खुद जानता है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है कि डायनमोमीटर वह उपकरण है जो माप करता है। डायनमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स। तो डायनमोमीटर किसका माप करता है? दोस्तों, आपने सही आंसर टिक कर दिया होगा। तो डायनमोमीटर जो है मस्कुलर स्ट्रेंथ यानी कि मांसपेशीय ताकत यानी स्ट्रेंथ को मेजर करता है। याद रखिएगा, यहाँ पे संधियों के कोण यानी कि एंगल ऑफ जॉइंट्स को मेजर करता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है गोनियोमीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, त्वरण के नियम को और क्या कहा जाता है? व्हाट इज द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन आल्सो कॉल्ड? तो ये आपका न्यूटन के द्वितीय नियम है। न्यूटन के द्वितीय नियम को त्वरण का नियम या संवेग का नियम कहा जाता है। इसके अलावा इसको लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम, बल के प्रतिफल का नियम आदि नामों से जाना जाता है, परिणामी बल का नियम आदि नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ मोमेंटम यानी कि आवेग का नियम या परिणामी बल का नियम। दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ था और फिर भी पूछेगा, याद रखिएगा न्यूटन के सभी नियम को, जो उपनाम है उसको याद रखे रहिएगा। जैसा कि मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ, न्यूटन जो है वह इंग्लैंड के, न्यूटन क्या थे, इंग्लैंड के महान दार्शनिक और गणितज्ञ भौतिक शास्त्री थे, और जिसमें उन्होंने गति के 3 नियमों का प्रकाशन 1687 में प्रिंसिपिया पुस्तक में किया। इन्होंने 3 नियम में, पहला नियम है जड़त्व का नियम, जिसे जड़ता का नियम, अकर्मण्यता का नियम, लॉ ऑफ इनर्सिया, गैलीलियो का नियम आदि नामों से जाना जाता है। द्वितीय नियम है संवेग या त्वरण का नियम, जिसे लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम, बल के प्रतिफल का नियम, परिणामी बल का नियम आदि नामों से जाना जाता है। तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसे लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ काउंटर फोर्स, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन आदि नामों से जाना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, खेल प्रशिक्षण के दौरान 2 भारों के बीच दिए जाने वाले आराम को क्या कहती हैं? ड्यूरिंग स्पोर्ट ट्रेनिंग द रेस्ट गिवेन बिटवीन 2 लोड्स इज कॉल्ड। तो दोस्तों, उसको ब्रेक कहा जाता है, रिकवरी फेज कहा जाता है। यहाँ पे ब्रेक नहीं दिया रहेगा, रिकवरी फेज होगा, तो रिकवरी फेज आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे ब्रेक आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ आसान नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपका आसन है, क्या है यहाँ पे आसन है, आसान नहीं है, ठीक है, पोस्चर, आसन से सुधारी जा सकती है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इजिली इम्प्रूवमेंट, किससे, आसन से। यहाँ पे आसान नहीं होगा, आसन होगा, यहाँ पे पोस्चर होगा इजिली के स्थान पर, ठीक है। तो आसन से हम क्या सुधार सकते हैं दोस्तों? तो जब भी मैं आपको बोल रही हूँ, जितने भी योगासन है, सब योगासन की बात ही आएगा, तो आप आँख मुद के फ्लैक्सीबिलिटी लगाइएगा, ठीक है। सभी योगासन से हमारे शरीर में फ्लैक्सीबिलिटी यानी लचीलापन बढ़ता है, तो फ्लैक्सीबिलिटी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग के प्रथम 4 रूप का सही क्रम क्या है? विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट 4 फॉर्म्स ऑफ अष्टांग योगा। जैसे कि आप जानते हैं, महर्षि पतंजलि ने जो है योग सूत्र लिखा है, जिसमें से उन्होंने अष्टांग योग की बात कही है। शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए उन्होंने अष्टांग योग की बात कही है, जिसमें से अष्टांग योग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो प्रथम 4 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम।
यम नियम आसन प्राणायाम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, यम नियम आसन प्राणायाम। पहले की जो पांच है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, उसे बहिरंग या स्थूल साधन कहते हैं। और लास्ट के जो तीन है, साधारणा ध्यान समाधि, उसे अंतरंग या सूक्ष्म साधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोमोर्फ क्या दर्शाता है? एंडोमोर्फ इंडिकेट्स व्हाट? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो सेल्डन है उन्होंने एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक, एक्टोमोर्फिक तीन बॉडी टाइप बताए हैं। शरीर के आकार और आकृति, बॉडी कंपोजिशन, शरीर के ढांचे को ध्यान में रखकर, तो जिसमें से जो क्रेस्मर है उन्होंने पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक तीन भागों में बांटा है, और चौथा डायस्प्लास्टिक है। इन दोनों की विशेषताएं जो है आपस में मिलती जुलती हैं। जो विशेषता, जैसे कि एंडोमोर्फिक को गोलकाय बॉडी बिस्ट्रोटोनिक कहा जाता है, उसी तरह क्रेस्मर के पिकनिक को गोलकाय बॉडी कहा जाता है। तो जो विशेषता सेल्डन के एंडोमोर्फिक का है, वही विशेषता क्रेस्मर के पिकनिक का है। तो एंडोमोर्फिक बॉडी क्या दर्शाता है? यह पिकनिक टाइप का दर्शाता है। ठीक है, वही पूछेगा कि मेसोमोर्फिक क्या दर्शाता है, तो एथलेटिक टाइप दर्शाएगा। ठीक है, क्रेस्मर ने पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, उसी सीक्वेंस में आप सेल्डर का कहेंगे एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक, एक्टोमोर्फिक। तो जो एंडोमोर्फिक बॉडी है वो पिकनिक टाइप दर्शाता है, जो मेसोमोर्फिक बॉडी है एथलेटिक टाइप दर्शाता है, सुडूल का है, जो एक्टोमोर्फिक बॉडी है वो एस्थेनिक टाइप दर्शाता है। जो क्रेस्मर का डायस्प्लास्टिक है वो सभी तीनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि सीखने का उद्देश्य गामक क्रियाओं का सीखना है तो यह दर्शाता है। इफ द एम ऑफ लर्निंग इज द लर्निंग ऑफ मोटर एक्शन, देन इन इंडिकेट्स। जहाँ पे मोटर एक्शन या गामक क्रियाओं की बात हो, वहाँ अंगों में कौन सा सेंसरी यानी कि न्यूरॉन काम करता है? हमारे अंगों में, मांसपेशियों में मोटर न्यूरॉन, हमारे मसल्स से जो सूचनाएं आती हैं मसल्स में, मस्तिष्क से, वो मोटर न्यूरॉन के द्वारा आती हैं। और यहाँ से संदेश ले जाता कौन है? सेंसरी न्यूरॉन ले जाता है। जो भी सारी गतिविधियाँ होती हैं मोटर लर्निंग के अंतर्गत आ जाती है। यहाँ पे साइको मोटर लर्निंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस प्रकार का स्वीडिश प्रशिक्षण स्पीड प्ले के नाम से भी जाना जाता है? विच टाइप ऑफ स्वीडिश ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज स्पीड प्ले? जैसा कि ये भी BPSC TI2 में पूछा हुआ था, तो गति में खेल या गति में दौड़ वहाँ पे पूछा गया था इस तरीके से करके। तो यहाँ पे जो स्पीड प्ले नाम से जाना जाता है, हम सबको पता है फॉर्ट लेग ट्रेनिंग मेथड जो होता है 1937 में गुस्टाव होमलर ने खोजा था, जो एंड्योरेंस को डेवलप करता है। और फॉर्टलेग शब्द जो है स्वीडिश शब्द है, जिसका अर्थ होता है गतिज खेल यानी स्पीड प्ले, और जो बिना पूर्व नियोजित ढंग से नॉट प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जाता है। तो यह यहाँ पे सर्किट ट्रेनिंग कहीं पे नहीं दिया है, सर्किट ट्रेनिंग इंटरवल और रिपीटेशन ट्रेनिंग, जिसमें सर्किट ट्रेनिंग स्ट्रेंथ एंड्योरेंस मेजर करता है, इंटरवल ट्रेनिंग स्पीड एंड्योरेंस, एंड रिपीटेशन ट्रेनिंग जो होता है वो भी स्पीड एंड्योरेंस को डेवलप करता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है किस प्रकार का स्वीडिश प्रशिक्षण स्पीड प्ले के नाम से जाना जाता है, तो फॉर्टलेग ट्रेनिंग मेथड होता है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन राइट नहीं होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO का स्वास्थ्य के प्रति विचार क्या है? WHO विव हेल्थ एज, दोस्तों WHO का क्या कहना है? WHO का कहना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। WHO का कहना है कि जो है स्वास्थ्य जो है केवल बीमारियों से मुक्त होना का नाम नहीं है, स्वास्थ्य जो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण कुशलता का नाम है। तो यहाँ पे उनका विचार है कि पूर्ण रूप से कुशलता यानी ओवरऑल बेइंग, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो चाहे सामाजिक हो, सभी चीज़ों से ठीक होना ही स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी खेल में बेहतर प्रदर्शन हेतु किस प्रकार की एंजाइटी यानी चिंता होनी चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ एंजाइटी शुड ए पर्सन हैव फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन एनी स्पोर्ट्स? तो दोस्तों, किसी भी स्पोर्ट्स में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जो हमारी एंजाइटी यानी चिंता का अंतर है जो होना चाहिए, वह ऑप्टिमम एंजाइटी होना चाहिए। ऑप्टिमम यानी मध्यम स्तर का, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कपालभाति क्या है? व्हाट इज कपालभाति? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कपालभाति जो है अनुलोम विलोम, भस्त्रिका एंड भ्रामरी एंड शीतकाली शीतली, ये सभी प्राणायाम है। बट जो हमने बताया है षटकर्म में जो शुद्धि क्रिया होती है वो भी छः होती है, नेति दोति नौली बस्ति त्राटक कपालभाति। तो जो कपालभाति होती है ज़्यादातर प्राणायाम में गिनती न होकर के षटकर्म के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे दोनों दिया है तो ये षटकर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आयोग क्या मानता है, यदि प्राणायाम और षटकर्म दोनों मानेगा तब तो आपका उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन राइट होगा, लेकिन केवल षटकर्म मानेगा तो षटकर्म राइट होगा, क्योंकि षटकर्म के अंतर्गत आप डायरेक्ट छह क्रियाएं पढ़ते हैं, नेति दूति नोली वस्ति त्राटक कपालभाति। तो इसका आंसर आप उचित खोजिएगा। आप जान ही रहे हैं षटकर्म होगा, बट आयोग क्या मानता है वो निर्भर करता है। इसका सटीक आंसर कहीं पूछा होगा तो जरूर देखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइसिस फेमोरिस निम्न में से किसके लिए प्राइम मूवर है? बाइसिस फेमोरिस इज द प्राइम मूवर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? दोस्तों प्राइम मूवर यानी कि जो एगोनिस्ट को प्राइम मूवर कहते हैं, प्राइम मूवर उसे कहा जाता है जो मसल्स को कंट्रैक्ट करने में मुख्य भूमिका अदा करे। तो जो बाइसेप्स फेमोरिस का होता है, जो हमारे जांघ के पीछे की हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है जो तीन मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनियस और सेमी टेंडेनियस। तो जितने भी नाम लेगा, चाहे हैमस्ट्रिंग कहेगा, चाहे बाइसेप्स फेमोरिस कहेगा, चाहे सेमी मेम्ब्रेनियस सेमी टेंडेनियस, वो क्या करेगा, वो सभी पेशियाँ जो होती हैं वो घुटने को मोड़ने में मुख्य भूमिका अदा करती है। तो बाइसेप्स फेमोरिस जो है घुटने को मोड़ने में मुख्य भूमिका अदा कर रही है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नी फ्लेक्शन। ठीक है, नी फ्लेक्शन घुटने को मोड़ने में। ठीक है, तो प्राइम मूवर को एगोनिस्ट कहा जाता है और उसके विपरीत जो भूमिका अदा करता है उसको एंटागोनिस्ट बोला जाता है। यहाँ बाइसेप्स फेमोरिस जो है मुख्य भूमिका अदा कर रहा है घुटने को मोड़ने में, तो यहाँ पे प्राइम मूवर यानी एगोनिस्ट का काम कर रहा है बाइसेप्स फेमोरिस और एंटागोनिस्ट यानी उसके विपरीत भूमिका अदा कर रहा है क्वाड्रिसेप्स मसल्स जांघ के ऊपर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलर बोन का अन्य नाम क्या है? अनदर नेम ऑफ कॉलर बोन इज? दोस्तों कॉलर बोन जो हमारी स्टर्नम बीच में मोटी वच पर हड्डी होती है जिसपे दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ दोनों तरफ जुड़ी होती हैं, और ऊपर जो है स्कैपुला और कंधे की जो हड्डी होती है स्कैपुला कहा जाता है। तो यहाँ पे जो क्लेविकल होती है, जो मैनुब्रियम जीफाइड ग्लैडियोलस, स्टर्नम के तीन भाग होते हैं, जैसे ऊपर वाला भाग को मैनुब्रियम कहा जाता है, वहीं से हसुली टाइप का निकलता है जो जाकर के स्कैपुला में जुड़ता है, तो हम कॉलर बोन को इस क्लेविकल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे क्लेविकल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन है, विच प्रोटीन इज फाउंड इन मसल्स? तो दोस्तों हमारे जब हम कोई क्रिया करते हैं तो जब लैक्टिक एसिड जम जाता है तो थकान होता है, ये नहीं होगा। जो पेशियों में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, फिलामेंट्स पाए जाते हैं, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट। तो यहाँ पे मायोसिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्टिन फिलामेंट्स के मायोसिन फिलामेंट पे फिसलने से मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट होता है, यहाँ पे मायोसिन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन नियम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूल? जो नियम यानी कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि होता है तो उसमें से नियम कौन नहीं है? जैसे कि यम जो होता है, यम को हम सामाजिक अनुशासन कहते हैं, जिसमें जिसके अंतर्गत परहेज या बचाव आता है, यानी कि अहिंसा सत्य अहिंसा अस्तेय परमचर्य अपरिग्रह, ये यम के अंतर्गत आता है जिसे सामाजिक अनुशासन कहते हैं। दूसरा होता है नियम, जिससे व्यक्तिगत अनुशासन लागू किया जाता है, व्यक्तिगत अनुशासन है अपने प्रति किया गया सारी को मानसिक नियम होता है, जिसमें शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राविधान आता है। यहाँ पे संतोष तप ईश्वर प्राविधान तीनों के तीन नियम है। यहाँ पे पूछा है कौन नहीं है, तो कोई नहीं है। यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यम नियम आसन। आसन क्या होता है कि शरीर में स्थायित्व तथा मन में एकाग्रता लाने के लिए शरीर की विशेष मुद्रा में रखने को आसन कहते हैं। आसनों का अभ्यास शरीर को मजबूती तथा शरीर और मन को शांति देता है। चौथा होता है प्राणायाम, जिसमें प्राणायाम का मतलब होता है सांस पर नियंत्रण पाना, जिसमें तीन क्रियाएं होती हैं, तीन घटक होते हैं, पूरक कुंभक और रेचक। पूरक मतलब श्वास को अंदर लेना, पूरक दो प्रकार का होता है, पूरक मतलब सांस को अंदर लेना, दूसरा होता है कुंभक मतलब सांस को रोकना।
कुंभक दो प्रकार का होता है, अंतः कुंभक और वाह्य कुंभक। अंतः कुंभक मतलब पूरा श्वास लेकर अंदर रोके रखना, वाह्य कुंभक मतलब बाहर निकाल कर रोकना। तीसरा होता है रेचक, जो श्वास को बाहर निकालना या छोड़ना होता है। फिर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, पांचवा होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? अपने इंद्रियों को बस में करना, दुनिया की वस्तुओं के पीछे भागने वाली इंद्रियों को बाधित कर उन्हें अंतर यात्रा की तरफ मोड़ना ही प्रत्याहार होता है। छठा होता है धारणा यानी एकाग्रता। एकाग्रता यानी अपने इष्ट देव या स्वयं पर पवित्र मन से ध्यान लगाना ही धारणा कहलाता है। धारणा की पद्धति से मन वस्तु विशेष पर एकाग्र हो जाता है। मन में निश्चल भाव से किसी बात को धारण करना ही धारणा कहलाता है। सातवां होता है ध्यान, जिसे साधना भी कहते हैं। जब व्यक्ति समय और सीमा के बंधन से मुक्त होकर अपना ध्यान केंद्रित करता है, तब वह ध्यान यानी साधना कहलाता है। आठवां अंतिम होता है अष्टांग योग का समाधि, जिसे आत्म अनुभूति कहते हैं, अपने आप को जानना। इसमें व्यक्ति की पहचान आंतरिक और बाह्य रूप से ध्यान में खो जाती है और सुख दुख या दरिद्रता से मुक्त होकर सर्वोच्च आनंद की अनुभूति होती है, यानी ध्यान की पराकाष्ठा ही समाधि है। तो ध्यान की जो शुरुआत होती है वो धारणा से होती है, एकाग्रता से। तो यहाँ पे आपका आपने समझा होगा अष्टांग योग के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार एंड आर। तो यहाँ पे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार क्या है? बहिरंग योग है कि अंतरंग योग है? अभी जस्ट मैं बताई हूँ दोस्तों कि शुरुआत के जो पांच हैं, यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, ये बहिरंग यानी कि बहिरंग योग हैं, एक्सटर्नल योगा है, जिसे हम स्थूल साधन भी कहते हैं। और लास्ट के तीन जो धारणा ध्यान समाधि है, वो अंतरंग योग यानी कि सूक्ष्म साधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी खिंचाव क्यों होता है? व्हाई डू मसल्स स्ट्रेन और क्यूर? तो दोस्तों मांसपेशी खिंचाव जो होती है वो खेलने से पहले पर्याप्त वार्म अप नहीं करने से होता है। वार्म अप करने से हमारी मांसपेशियों में लचीलापन बढ़ता है एंड ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ता है, थकावट देर से आती है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। मांसपेशी असंतुलन होने से होता है, खनिज की कमी से होता है, यानी कि नॉट प्रॉपर वार्मिंग अप इनफ बिफोर प्लेइंग, मसल्स इम्बैलेंस एंड मिनरल डिफिशियंसी, यानी कि खनिज की कमी के कारण। यहाँ पे तीनों सही हैं, तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मासन का दूसरा नाम क्या है? अनदर नेम ऑफ पद्मासना इज। तो दोस्तों पद्मासन को हम कमलासन भी कहते हैं, ये कमल के पुष्प के समान होता है, ये एकाग्रता के लिए बहुत बेस्ट होता है और ध्यान लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग क्या है? दोस्तों योग क्या है, व्हाट इज योगा? तो योग एक साधना है, यहाँ पे साधना आपका राइट आंसर हो जाएगा। योग का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? योग जो है संस्कृत युज धातु से बना हुआ है, ठीक है, संस्कृत की युद्ध धातु से है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना या मिलन या संयोग, यानी आत्मा का परण या दिव्य आत्मा से मिलन ही योग है, या हम कह सकते हैं जीवात्मा का परमात्मा से एकीकरण, या हम कह सकते हैं कि मानव के शारीरिक मानसिक बौद्धिक या आध्यात्मिक पहलुओं का एकीकरण भी है, या परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि पतंजलि ने कहा है कि योग चित्तवृत्ति निरोधः, यानी चित्त की वृत्तियों को पूर्णतया रोक देना ही योग कहलाता है। अब वेदव्यास कहे हैं कि योग समाधि है। डॉक्टर संपूर्णानंद का कहना है कि योग आध्यात्मिक कामधेनु है, आत्मसंस्कार का एकमात्र उपाय योग है, संपूर्णानंद का कहना है। भगवद गीता में कहा गया है कि योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्म करने की निपुणता ही योग है, ठीक है। और योग शास्त्र में कहा गया है कि सभी चिंताओं का परित्याग कर निश्चिंत हो जाना ही योग है। और कठोपनिषद में कहा गया है कि इंद्रियों की स्थिरता को ही योग माना गया है, जिसकी इंद्रिय स्थिर हो जाती है वह अप्रमत्त हो जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है आज के लास्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार शब्द का प्रयोग कब हुआ? When was the first aid used? दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट एड शब्द का जो प्रयोग हुआ वह 1879 में सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन द्वारा इंग्लैंड में हुआ। चिकित्सा विधियां यानी प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड में अंतर्गत
PRICE पद्धति आता है, जिसको थंब रूल भी कहा जाता है। दोस्तों ये था आज के सेशन का 20 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होगा, कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और लोगों तक वीडियो पहुँच सके। इसी तरह आप डेली बेसिस से प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।